हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कलौंजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने करेला, आलू और बैंगन ले लिया है। उसके बाद मैं इधर में पंचफोरन ले लूँगी। पंचफोरन को मैं तवे पर हल्का मीडियम आँच में इसको भूनूंगी अच्छे से, जब तक मैं इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। एकदम मतलब जलना नहीं चाहिए ये। पंचफोरन हमारा भुन चुका है, उसको अब मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैंने धनिया उसमें ऐड किया और मिक्सी में ग्राइंड किया। इधर हमारा कलौंजी के लिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसमें मैंने लहसुन कूट के ऐड किया है, उसमें नमक ऐड किया है, फिर मैंने इसमें हल्का सा हल्दी और हल्का तेल ऐड किया है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम करेले में ऐसे चीरा लगा के चक्कू की सहायता से फिर कट करके उसमें थोड़ा थोड़ा हम मसाला भरते हुए जाएंगे। मैंने तीनों मिक्स कलौंजी बनाई है, करेला, बैंगन, आलू, सब मिक्स, क्योंकि बैंगन मैं नहीं खाती हूँ और बच्चे बैंगन करेला खाते नहीं हैं, आलू खाते हैं और करेला मुझे पसंद है। इसके लिए मैंने सबके हिसाब से तीनों मिक्स ही बना दिया है कि सब खाएँ, सबको अच्छा लगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके सब में अच्छे से मसाले भरते हुए हम तैयार कर लेंगे कलौंजी का। और उसके बाद फिर हम कढ़ाई में रखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा रेडी कर लिया है भर के कलौंजी। फिर उसमें मैं ऊपर से हल्का सा फिर नमक ऐड करूँगी, फिर उसमें मैं तेल डालूँगी। तेल मैंने नाप के ये कलछुल की सहायता से 2 कलछुल तेल इसमें डाला है और इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि इसको तेज़ करेंगे तो ये अंदर से जल जाएंगे, ऊपर से पकेंगे नहीं। इसके लिए इसको एकदम लो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे। इधर देखिए आधा हमारा कलौंजी पक चुका है। बीच बीच में इसको हम ढक्कन खोल के अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इधर देखिए हमारी कलौंजी पक के रेडी हो गई है एकदम मस्त। इधर मैंने थोड़ा सा प्लेट में खाने के लिए निकाल लिया है। कलौंजी बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, शेयर भी करें।